वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आप को रामनवमी का दर्शन कराने के लिए है। हम रामनवमी से आ चुके हैं। देख लीजिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितने ज़्यादा लोग लेटते रहते हैं यहाँ पे। मतलब ये विश्राम करने की जो है ग्राउंड बनाया गया है, अच्छा से पार्क बनाया गया है विश्राम करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इतने श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे आराम करने के लिए। व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और देख लीजिए यहाँ पे, अभी आपको दिखाऊंगा, पुलिस कैंप भी लगा हुआ है। कोई खो जाता है उसके लिए खोया पाया केंद्र बनाया गया है हर स्टाफ पे। तो देख लीजिए यहाँ पे खोया पाया केंद्र बना, मैं आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करूँगा। देख लीजिए, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। देख लीजिए यहाँ पे खोया पाया केंद्र है। यहाँ पे देख लीजिए पुलिस महिलाएँ बैठी हैं, पुरुष भी पुलिस बैठे हुए हैं। सभी जैसे कोई भी गलत हरकत होती है, कोई भी एक्टिविटी गड़बड़ होती है, या कोई भी ऐसा दुष्कर्म या व्यवहार करने की कोशिश करता है, उसे देख लीजिए यहाँ पे हरकत में लिया जा सकता है उसको जो है। और देख लीजिए यहाँ पे एक ये जो बीच में आपको पुल दिख रहा है, इसके नीचे भी आदमी वो लेटे हैं, जो कि लेटना नहीं चाहिए भरपूर से, तो क्योंकि यहाँ पे पानी भरा होता है। पानी तो भरा नहीं गया, ये तो गांव गड़बड़ हुआ है। ये बीच में पानी भरना चाहिए था इसको, तो ये जो है पानी फुहारा की तरह निकलता है और देखने में और ही अच्छा अलौकिक लगता है। तो देख लीजिए यहाँ पे दादा लोग आ जा रहे हैं, हमारे दोस्त भी बैठे हैं। देख लीजिए नीचे बहुत ही यहाँ पे अच्छा सीन होने वाला है। वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगे वाला देखता हूं, जो सब बगिया देख लिया। मैं बोल रहा हूं थोड़ा रुक जाओ, दो मिनट के अंदर अंदर मैं चल रहा हूं। ये देख लीजिए दिनेश भाई मेरा थोड़ा हंस रहा है, हंस रहे हैं भाई जी। देख लीजिए लाइट की वजह से आपको सही नहीं दिखाई दे रहा, मगर ये रात का समय है इसलिए थोड़ा घूम रहा आ रहा है। अगर सुबह का समय होता मैं आपको दिखाता, एकदम ओडी से ओडी भी खारिश भरारी लंबोरगिनी से लंबोरगिनी, क्या ही बता दूँ, कतई जहर होने वाली है वीडियो। तो वीडियो को पूरा वाच करें, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करें, वीडियो आपको अच्छा लगने वाला है। देख लीजिए हमारे दोस्त लोग, देख लीजिए फोटो खिंचाने के लिए लड़की जा रही है, पर उसको जाने नहीं दे रहे अंदर, क्योंकि वो सेल्फी खिंचाने में उसको दिक्कत हो रही है। तो मैं देख लीजिए कैसे यहाँ पे आदमी सो जाते हैं, जैसे मरे मुर्दे की तरह लेटे रहते हैं। देख लीजिए इनको कोई कम नहीं है, देख लीजिए एकदम बिल्कुल बने रहें। आपको वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, अच्छा लगने वाला है। तो बस वीडियो में बने रहें, वीडियो को फुल वॉच करें। मैं सॉन्ग नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि सॉन्ग लगाने में अच्छा नहीं लगता। ये मेरा भाई देखो एकदम परेशान हो गया है, क्योंकि मैं टाइम इसका ज़्यादा ले लिया है। यहाँ पे हमने 25 मिनट का मैं अपना चेहरा फेस दिखाने का प्रयास, देख लीजिए हमारा फेस, मैं भी ऐसा कपड़ा पहन के ड्रीम इलेवन वाला MPL देख लीजिए लिखा गया है हमारे बंदी को। तो बस मैं थर्मल बैग से दिखाने वाला हूँ। देख लीजिए यहाँ पे एक मूर्ति बनी हुई है, सिंह ऋषि का है, क्या है मेरे को क्लियर नहीं पता है नाम, पर आप वीडियो में हैं तो वीडियो को देखकर बताइएगा कौन सी मूर्त है, किसकी मूर्त है, तो मैं उसी हिसाब से वीडियो को जो है मूर्ति का नाम दूंगा। देख लीजिए इसके अंदर भी लेटे हुए हैं लोग, यहाँ पे लेटना नहीं चाहिए बोले तो, मगर अब क्या करें, लोग इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतने ज़्यादा पीपुल जो है क्लोज में है, तो कहाँ लेटेंगे। देख लीजिए जाने के लिए सुख से व्यवस्था नहीं, सिर्फ बीच बीच में छोड़ा गया, जहाँ पे डॉट लाइन है या ऐसा सड़क बनाया गया है वहाँ पे छोड़ा गया है। तो वीडियो बस ज़्यादा नहीं, आपको 25 से लगभग मानो तो 30 मिनट या 36 मिनट का और होने वाला है वीडियो। तो वीडियो को स्किप जरूर ना करें, क्योंकि आपके घर वाले भी यहाँ पे आए होंगे, इस वीडियो में दिखाएंगे होंगे, तो इस वीडियो को स्क्रूप ना करें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अयोध्या नगरी में कैसी क्या व्यवस्था है, मैंने 4-5 वीडियो अयोध्या नगरी से रिलेटेड डाली है। जहाँ जहाँ मशहूर स्थान है, जहाँ जहाँ माना जाना स्थान है, वहाँ वहाँ का मैं वीडियो डाल रहा हूँ पहले, उसके बाद लोकल तो वीडियो पड़ता रहेगा। पहले ये वीडियो देखें, जो भी आना चाहते हैं अयोध्या नगरी में उनका स्वागत, अभिनंदन करना मन करता है। जय श्री राम।